बच्चों कैसे हो सभी। नाइन्थ के ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं तो हम बात करते हैं सामाजिक के एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं हम जियोग्राफी के। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक टेबल फॉर्म में, एक पेज में कन्वर्ट किए हैं और आप इनमें से हो सके तो पूरे क्वेश्चंस पढ़िए। निश्चित रूप से पूरा पेपर यहीं से आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य बताइए। अच्छा, इनमें भी जो राइट लगे हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आते ही आते हैं। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। अच्छा बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए इस पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसकी PDF भी डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो ये PDF डाउनलोड कर सके और आप इस अपना टाइम बचा सके और इस सारे क्वेश्चंस को जल्दी से निकाल पाए। तो मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। स्वेज नहर को कब खोला गया? खादर और मांगर में अंतर बताइए। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। देखिए, आप अगर बुक में क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन के आसपास मिलते हैं, बट मैंने पूरी बुक के जो कंटिन्यू बार बार आते हैं है ना और इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन का संग्रह बना के आप सभी के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन निकाले है। दून किसे कहते हैं? दोआब किसे कहते हैं? अच्छा, हिमालय की भी, मध्य हिमालय, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम इस वीडियो में दो बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे और सेकंड जो दो बुक्स बच जाएगी उसका वीडियो भी आप देख लेना, वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तराई किसे कहते हैं? दक्कन ट्रैप क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ठीक है, अच्छा, खारे पानी की झीलें इंडिया की और राजस्थान की आते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से, है ना। भारत की दो खारे पानी की नदियों के नाम लिखिए। अच्छा, जिलों के नाम है ना, गंगा नदी के अफवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय नदियों का वर्णन कीजिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अच्छा जेट धाराएं भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलवायु मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बचे हुए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी इसके बाद जस्ट राजनीति विज्ञान की वीडियो भी मैं इसी के साथ मिक्स कर लेता हूँ ताकि आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दीजिएगा, वहाँ पर लिंक डाल दी जाएगी, उस लिंक से आप ये पूरा पेपर डाउनलोड कर दोगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो देखने में। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड हो, एग्जाम के टाइम में आप वेस्ट नहीं करो वीडियो के चक्कर में टाइम, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, महावट क्या है, है ना, मौसम और जलवायु में अंतर, अलनिनो पर टिप्पणी लिखिए, जैव विविधता क्या है, ठीक है, जीनोम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, भारत में अधिकांश जनसंख्या किस राज्य में है, ये सवाल आते हैं। 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य की है? ठीक है, भारत की, खारे पानी। अच्छा देखिए, जो नक्शा है आपका, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी, कलकत्ता, थार मरुस्थल, श्रीलंका, चिल्का झील, जयपुर, दिल्ली, अरावली पर्वतमाला, दमन द्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई साम्राज्य, इनमें से आपको मिल जाएगा। ये इस जो भूगोल है, जियोग्राफी है, उससे रिलेटेड लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो बड़े। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के। राजनीति विज्ञान के देखिए, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। लोकतंत्र से क्या आशय है? अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, इनमें से निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित रूप से आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी, सारे ही सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। रंग भेद नीति क्या है? ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान क्या है, इसका क्या औचित्य है? ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी लिख दिए हैं, आप इसको पेपर को पूरा ही डाउनलोड कर दीजिए और आप पढ़िए, निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और आप कमेंट कीजिए जब भी एग्ज़ाम हो, आप निश्चित रूप से कहोगे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के निश्चित रूप से यहाँ से कार्यकाल से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता ही है। धन विधेयक से संबंधित, ठीक है, ये जो राइट कर रखे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जनरली आपको सारे ही क्वेश्चन पे एक बार नजर जरूर फेरनी है। मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, 6 जो मूल अधिकार हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया है और इस प्रकार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे होते हैं। बचे हुए दो सब्जेक्ट के जो दो पेपर के जो आपके है ना बाकी है, दो बुक्स और है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर सब्जेक्ट में आपको निश्चित रूप से यहाँ हेल्प मिलेगी। थैंक यू।